सब्सक्राइब कीजिए निगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप मुंबई इंडियंस के फैन हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। दोस्तों, कोलकाता से जीत के बाद अब टॉप चार में आ सकती है मुंबई। प्लेऑफ में आने के लिए करना होगा ये काम। आईपीएल 2018 के 37वें मैच में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर अपनी प्लेऑफ में पहुंचने की खत्म हो चुकी उम्मीद को एक बार फिर से जिंदा कर लिया है। बता दें कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 181 रन बनाए और कोलकाता को जीत के लिए 182 रनों का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करने मैदान में बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और 13 रनों से हार का सामना करना पड़ा। हार्दिक रहे मैच के हीरो हार्दिक पांड्या को इस मैच में अपने शानदार प्रदर्शन की वजह से मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। मैच बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक ने 20 गेंदों पर नाबाद 35 रन बनाए और उसके बाद बॉलिंग में भी 4 ओवर में महज 19 रन देकर 2 विकेट भी हासिल किए। पॉइंट्स टेबल और मुंबई इंडियंस कोलकाता को मैच में हारने के बाद पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस की स्थिति पहले से काफी अच्छी हो गई है। बता दें कि मुंबई अब 10 मैचों में 4 जीत के साथ 5वें स्थान पर आ गए हैं, वहीं कोलकाता की यह 10 मैचों में 5वीं हार रही। कोलकाता इस समय पॉइंट्स टेबल में 3रे स्थान पर है। टॉप चार में आने के लिए मुंबई को करना होगा ये काम। बता दें कि टॉप चार में आने के लिए इस जीत के बाद अब मुंबई को बाकी के होने वाले सभी 4 मैचों को जीतना होगा। अगर मुंबई एक भी मैच हार जाती है तो इसका टॉप चार में पहुंच पाना मुश्किल है। क्या मुंबई इंडियंस टॉप चार में पहुंच पाएगी? आप अपना विचार कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आपने गा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करिए और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।